यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। तो स्कंदन, किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश उपस्थित रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई कोलाइडी विलयन होता है उस पर कोई ना कोई आवेश होता है, चाहे वो ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो, दोनों आवेश नहीं होते। याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन या तो ऋणात्मक होते हैं या फिर धनात्मक, दोनों आवेश वाले नहीं होते, और यही विद्युत आवेश कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का कारण होता है। तो स्थायित्व का कारण क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। अक्सर आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा है कि सर कोलाइडी विलयन का स्थायित्व क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कहने का मतलब है कि जो कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण है, जिसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, वे कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात परिक्षेपण माध्यम में विचरित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं स्थायित्व। अगर ये बैठ गए, मतलब जो विलय के कण है या हम कह सकते हैं उसको परिक्षिप्त प्रावस्था है, अगर वे बैठ जाता है तली में, तो यही कहलाता है स्कंदन, और ऐसा कोलाइडी विलयन होगा अस्थायी। तो याद रखिएगा, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं वे स्थायी होते हैं क्योंकि वो नीचे नहीं बैठते, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं वो अस्थायी होते हैं क्योंकि कुछ समय बाद जो उसके कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यदि किसी विधि द्वारा इन कणों के आवेश को नष्ट कर दिया जाए और कोलाइडी कण आपस में संगुणित होकर, मतलब चिपक कर, गुरुत्वीय प्रभाव में पात्र के पेंदी में बैठ जाते हैं, और इस प्रकार के आवेशित कणों का उदासीन होकर नीचे की ओर बैठ जाना ही कहलाता है स्कंदन। तो स्कंदन क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अवक्षेप में बदलने की क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं। तो अवक्षेप में बदलने का मतलब है तली में नीचे की ओर बैठना, और जब कोलाइडी कण तली में नीचे की ओर बैठ जाते हैं यही प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। आई होप कि आपको स्कंदन समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे हम कोलाइडी कणों को स्कंदित कर सकते हैं या किस विधि द्वारा कोलाइडी कणों को स्कंदित किया जा सकता है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की जो सबसे प्रचलित विधि है कि दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को आपस में मिला दे, या फिर कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश का कोई पदार्थ या आयन मिलाने पर जो कोलाइडी कण है उस आवेश को ग्रहण कर लेते हैं, और जो कि विपरीत आवेश होने की वजह से क्या होते हैं, वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों में हम सभी जानते हैं कि आकर्षण होता है, तो जिससे वो आपस में चिपक कर उदासीन हो जाते हैं, और इस कारण जब वो चिपकते हैं उनके कण भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और यही प्रक्रिया हो जाती है स्कंदन की। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्व वाले सॉल्यूशन है, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो धनात्मक कोलाइडी सॉल्यूशन है क्योंकि आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हमको पता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है। पीछे मैंने जो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा है तो उसमें आपको एग्जांपल में भी इसको बताया। अब जब यह धनात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो हम इसको स्कंदित करने के लिए क्या डालेंगे, नेगेटिव पार्टिकल डालेंगे। अब नेगेटिव पार्टिकल अगर हमें डालना है तो जैसे हम ले लिए फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन है, क्लोरीन पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जितने प्लस है उतने नेगेटिव चार्ज के क्लोरीन हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, प्लस और माइनस जाकर आपस में चिपक जाएंगे, जिससे क्या होंगे कि जो मॉलिक्यूल होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे, और इस प्रकार जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका स्कंदन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर धनात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें ऋणात्मक पदार्थ डालेंगे, यदि ऋणात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें धनात्मक पदार्थ या आवेश डालेंगे, इस प्रकार स्कंदन होता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली विधि है कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट मिला दें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जब पढ़ाया था कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, तो उसमें मैंने बताया था पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में क्या था, पीपीटी में हम लोगों ने क्या डाला था, विद्युत अपघट्य डाला था। तो सेम वैसे ही कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डाल दें तो हमें स्कंदित विलयन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने आर्सेनिक का कोई ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन ले लिया, अब इसमें हम विद्युत अपघट के रूप में डाल दिए NaCl। हम सभी जानते हैं कि Na पे प्लस आयन होता है, तो ये प्लस आयन ये ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, जिसके कारण जो कोलाइडी कणों का आकार होगा वो बड़ा हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कोलाइडी कण है नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे, और इस प्रकार कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। तो हम पहली विधि जो यूज कर सकते हैं स्कंदित करने में वो है विद्युत अपघट्य के द्वारा। वही बात कहते हैं हम दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि है विपरीत आवेश वाले सॉल्व मिलाकर, मतलब कि
उसमें हम क्या करें कि एक कोलाइडी विलयन हमारा ऋण आवेशित है तो हम उसमें दूसरा धन आवेशित कोलाइडी विलयन मिला दें। जैसे कि आर्सेनिक का जो हमारे पास ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है उसमें हम आयरन के कुछ धन आवेशित कोलाइडी विलयन मिला दें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे, जिसके कारण स्कंदन हो जाएगा। वही बात करें तीसरी विधि की, तो अगली विधि है विद्युत कण संचलन, इसमें भी स्कंदन हो सकता है। तो विद्युत कण संचलन मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद है अपोहन। अपोहन में आगे आपको जब कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं अपोहन समझा दूंगा। लास्ट जो विधि है कोलाइडी विलयन को अत्यधिक गर्म करने से कोलाइडी कण परस्पर टकराकर अपने आवेश को नष्ट कर लेते हैं, जिसे स्कंदन हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई कोलाइडी कण है पॉजिटिव है, उसको गर्म करेंगे तो कण बार बार आपस में टकराएंगे, तो आपस में बार बार टकराने की वजह से क्या होगा, उनके आवेश नष्ट हो जाएंगे और आवेश जहां नष्ट हुआ फिर न्यूट्रल वे और नीचे बैठ जाएंगे। तो ये कुछ विधियां थी स्कंदित करने की। तो इन्हीं विधियों में से हम आगे स्कंदन की विधि को पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डी सुलजे का नियम। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्कंदन क्या होता है। अगर स्कंदन समझ में आ गया तो आप आसानी से हार्डी सुलजे के नियम को समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है। तो किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और इसी को हम बोलते हैं हार्डी सुलजे का नियम। अब यहाँ पर आ रहा है बात कि किसी आयन या स्कंदित आयन क्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, अगर कोलाइडी विलयन धनात्मक है तो उसमें हम ऋणात्मक आयन डाल रहे हैं, तो जो आयन डाल रहे हैं या जो अलग से पदार्थ डाल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं स्कंदन आयन। अगर ऋणावेशित कोलाइडल विलयन है तो हम धनात्मक स्कंदित आयन डालेंगे, अगर धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो ऋणात्मक स्कंदित आयन डालेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्कंदन आयन क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि स्कंदन आयन की जो संयोजकता होती है जितनी अधिक होती है वो उतना ही उनकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अगर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही अधिक स्कंदन करेंगे, वही अगर तीन पॉजिटिव चार्ज है स्कंदित आयन पर तो वो तो तीन निगेटिव चार्ज को खत्म करेंगे ना। जैसे हमारा कोई ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है, अब उसमें हम लोग जो स्कंदित आयन लेंगे वो तो धनात्मक लेंगे, जाहिर सी बात है। अब यदि हम लोग ऐसा धनात्मक लें जिस पर तीन धन आयन हो या किसी पर दो धन आयन हो या किसी पर एक धन आयन हो, तो इसमें जिस पर सबसे अधिक धन आयन है वो क्या होगा, सबसे अधिक क्या करेगा, स्कंदन करेगा। जैसे एल्युमिनियम पर थ्री पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो सबसे अधिक धन आयन मतलब सबसे अधिक स्कंदित करेगा। बेरियम पर दो है तो ये कम स्कंदित करेगा। सोडियम पर एक है तो ये कम स्कंदित करेगा। भाई उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज है एल्युमिनियम पे तो वो तो तीन ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। लेकिन बेरियम पे दो है तो ये तो सिर्फ दो ही को ना न्यूट्रल करेगा, या सोडियम पर एक है तो ये तो एक ही को न्यूट्रल करेगा। तो जितना अधिक संयोजकता होती है आपके स्कंदित आयन की उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है कि किसी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए धनात्मक आयनों का जो घटता हुआ क्रम है, तो सबसे अधिक एल्युमिनियम पर थ्री पॉजिटिव है, बेरियम पर सिर्फ दो है, सोडियम पर एक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की जो स्कंदन क्षमता है वो सबसे अधिक है क्योंकि इनकी संयोजकता अधिक है। उसके बाद बेरियम है, फिर लास्ट में सोडियम, सबसे कम सोडियम का है क्योंकि उस पर एक ही प्लस चार्ज है। वहीं यदि अगर हम कोई धन आवेशित कोलाइडी विलयन लें तो उसमें हम स्कंदित करने के लिए हमें ऋणात्मक आयनों को लेना होगा। ठीक है, तो अब इनकी देखते हैं स्कंदन क्षमता कैसे घटता हुआ क्रम है। तो जैसे फॉस्फेट पे देख रहे हैं आप थ्री निगेटिव चार्ज है, सल्फेट पे दो निगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पर एक, तो फॉस्फेट पे तो सबसे अधिक ऋण आवेश है तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता अधिक है। फास्फेट के बाद सल्फेट की अधिक होगी क्योंकि इस पे दो ऋण आवेश है, और सबसे कम होगी क्लोरीन की क्योंकि इस पे केवल एक निगेटिव चार्ज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डी सुलजे का नियम क्या है, कि कोई भी स्कंदन आयन जितना अधिक उस पर चार्ज होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि आपके पास जो पॉजिटिव कोलाइडर पार्टिकल है तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए, स्कंदित करने के लिए हमें क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। तो हमारे पास तीन तरह के निगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट है, सल्फेट है और क्लोराइड है। फॉस्फेट पे थ्री निगेटिव चार्ज है, सल्फेट पे आप देख सकते हैं दो निगेटिव चार्ज है, और क्लोराइड पर एक निगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेट पे सबसे अधिक तीन निगेटिव चार्ज है तो ये सबसे अधिक क्या करेंगे, स्कंदित करेंगे, जबकि सल्फेट पे दो ही निगेटिव चार्ज है तो ये फॉस्फेट से कम स्कंदित करेगा, और वहीं क्लोराइड पर सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है तो ये सबसे कम स्कंदित करेगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट की जो स्कंदन क्षमता है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम है क्लोराइड की क्योंकि फॉस्फेट पर थ्री पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर एक निगेटिव चार्ज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हार्डी सुलजे का नियम।
तो आइए हम डिस्कस करते हैं हार्डी सुलझे पे आने वाले क्वेश्चन की। तो जैसे एग्जाम में आपको आ गया कि आर्सेनिक के जो रेड आवेश सॉल्व दिए गए हैं, अब इनको स्कंदित करने के लिए जो हम लोग आवेश यूज कर रहे हैं या विद्युत अपघट यूज कर रहे हैं, उनकी क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे है कि आर्सेनिक का रेड आवेश सॉल्व है, तो यहाँ पर आपको जो स्कंदन आयन दिए गए हैं या एक तरह से कह सकते हैं जो विद्युत अपघट दिए गए हैं, NaCl दिया है, MgCl2 दिया है, AlCl3 दिया है, SnCl4 दिया है, तो इसमें सबसे अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी, सबसे कम स्कंदन क्षमता किसकी होगी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम या फिर घटता हुआ क्रम लिखने के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Na पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो Na की जो स्कंदन क्षमता होगी वो सबसे कम होगी, वही मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज और Sn पे 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज किस पर है, Sn पर, तो यहाँ पर सबसे अधिक स्कंदन क्षमता किसकी होगी, Sn की, और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की। तो इसलिए जो बढ़ता हुआ क्रम है Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस और Sn4 प्लस। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि हमारा हार्डी सुलझे के नियम से ही रिलेटेड है। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत अपघट का ऊर्ध्वन मान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऊर्ध्वन मान होता क्या है। तो किसी कोलाइडी विलयन के 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट के न्यूनतम ML मोलों की संख्या उस विद्युत अपघट का ऊर्ध्वन मान कहलाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट डाला जाता है तो भी स्कंदन हो जाता है। तो यदि किसी कोलाइडी विलयन का 1 लीटर हम ले और उसमें हम जो विद्युत अपघट डाले हैं, तो उसकी जो सबसे न्यूनतम ML में मात्रा होगी उसी को हम बोलेंगे विद्युत अपघट का ऊर्ध्वन मान। वो सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए उसमें जितने न्यूनतम ML मोलों की संख्या विद्युत अपघट की लेते हैं उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वन मान। किसी विद्युत अपघट में उपस्थित प्रभावी आयन अथवा स्कंदन आयन की संजकता जितनी अधिक होती है उस विद्युत अपघट का ऊर्ध्वन मान उतना ही कम होता है। तो याद रखिएगा, जो ऊर्ध्वन मान होता है जस्ट अपोजिट होता है उसकी संजकता के, मतलब जितना अधिक संजकता होगा ऊर्ध्वन मान उतना ही कम होगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऋण आवेशित वाले कोलाइडी विलयन के लिए विद्युत अपघट के ऊर्ध्वन मान का जो क्रम है, थोरियम है, एल्युमिनियम है, बेरियम है, सोडियम है, तो सोडियम का अधिक है वैल्यू। क्यों? क्योंकि Na पे बस एक ही प्लस होता है जबकि थोरियम पे 4+ होता है। तो देखा जाए तो Na का जो संयोजकता है सबसे कम है लेकिन ऊर्ध्वन मान सबसे अधिक है। वहीं इसी प्रकार हम बात करें धनावेशित आवेश वाले कोलाइडी विलयन की, तो उसमें जो विद्युत अपघट लेंगे वो हमारे ऋण आवेशित होंगे, जैसे K4Fe(CN6) में CN6 पे 6- चार्ज होंगे, वहीं K3PO4 में PO4 पे 3- चार्ज होंगे, K2SO4 में SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होंगे और KNO3 में NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज होगा। तो NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी जो ऊर्ध्वन मान है वो अधिक है, जबकि CN6 पर सबसे अधिक 6 निगेटिव चार्ज है लेकिन इसका ऊर्ध्वन मान कम है। तो जस्ट अपोजिट होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिसमें कि ऋण आवेशित आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट तथा धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के स्कंदन के लिए ऊर्ध्वन मान ML मोल प्रति लीटर में दिए गए। तो जैसे हमारा आर्सेनिक सल्फाइड एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, उसके लिए विद्युत अपघट का ऊर्ध्वन मान दिया हुआ है एक साइड, लेफ्ट साइड पे, वहीं जो धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है उसके लिए आपके विद्युत अपघट का स्कंदन मान दिया हुआ है। तो जैसा देख सकते हैं NaCl इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, स्कंदन मान कितना है 52, वहीं सबसे लास्ट में AlCl3 इसकी संयोजकता कितनी है 3 है लेकिन स्कंदन मान का वैल्यू कितना है 0.093, मतलब जितना अधिक संयोजकता होगा उतना ही कम स्कंदन मान होगा। वहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड वाले में विद्युत अपघट की बात करें तो KCl का जो संयोजकता है वो 1 है लेकिन स्कंदन मान है 132। वहीं सबसे नीचे जो है Na3PO4 है जिसका संयोजकता 3 है लेकिन स्कंदन मान है 0.092। तो अगर हम देखें इक्वेशन या हमारा जो फार्मूला बनता है, स्कंदन जो क्षमता ऊर्ध्वन मान के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जितना अधिक स्कंदन क्षमता होगा ऊर्ध्वन मान उतना ही कम होगा, या ऊर्ध्वन मान अधिक है तो स्कंदन क्षमता कम होगा, जैसे कि आप नीचे इक्वेशन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए इससे जुड़े हुए एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आर्सेनिक के 100 ML कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए M/2 KCl के 10 ML की आवश्यकता होती है, तो KCl का ऊर्ध्वन मान क्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे ऊर्ध्वन मान को। तो जैसे M/2 KCl का हम लोगों ने कितना लिया है, 10 ML लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड
सॉल्व करते हुए लिखा हुआ है। अब यदि देखा जाए तो ये 100 ml को क्या कर रहा है, स्कंदित कर रहा है। तो अब KCl का 10 ml कितने को स्कंदित कर रहा है, 100 ml को। तो हमारा जो सॉल्व करेंगे तो m by 2 into 100 by 10। तो 100 ml क्यों लिया गया, क्योंकि 100 जो लिया गया वो कोलाइडी विलयन का वैल्यू लिया गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 5 ml पर मोल, जो कि राइट साइड सॉल्व किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 100 ml आर्सेनिक के कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए KCl के 5 मोल की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जब हम लोगों ने उदयमान की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए जितना ml चाहिए होता है। तो 1 लीटर हम कहें या फिर 1000 ml कहें, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। तो क्वेश्चन में 100 ml दिया है, तो अब हम यहां पर आर्सेनिक की कितनी मात्रा लेंगे, 1000 ml लेंगे। तो जब 100 ml आर्सेनिक के कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए KCl की 5 ml की आवश्यकता पड़ रही थी, तो 1000 ml को स्कंदित करने के लिए KCl की कितनी मात्रा चाहिए होगी, सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 50 ml मोल। तो इस प्रकार उड़ेन संख्या की परिभाषा के अनुसार KCl का जो उड़ेन मान होगा वो होगा 50 ml मोल। इसके बाद नीचे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए।